केरेडारी में ग्रामीणों के आंदोलन का दूसरा दिन। केरेडारी के झुमरीटार मैदान में धरने पर बैठे ग्रामीणों को अपना समर्थन देने पहुंची बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी को 2013 का कानून लागू करना ही होगा, साथ ही ग्रामीणों को उचित मुआवजा भी देना होगा। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे केरेडारी संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पे उपस्थित अध्यक्षता कर रहे लाला सोनी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप रामकुमार दुबे जी, उपस्थित हमारे छठी बरियातों के शिवनाथ गुप्ता जी, उपस्थित दशरथ साहु चाचा जी जोरदार से, और उपस्थित तमाम यहाँ पे हमारे ताना भगत के चाचा बल्कि ताना भगत और सभी यहाँ उपस्थित हैं, मेरी माताएं बहनें मेरे भाई बंधु। आज क्योंकि कल लोगों का विरोध हो रहा था, ग्रामीणों के तरफ से रैयतों के तरफ से विरोध हो रहा था जो कि जायज है। यहाँ पे अधिकारी ताज्जुब करते हैं कि कैसे कंपनी 2-3 महीने के अंदर इतने आसानी से बिना कोई नियम का बिना कोई कानून का 3 महीने के अंदर कितना आसानी से काम इतना बड़ा कर दिया, मतलब माइनिंग सब शुरू कर दिया 3 महीना बाद तक। इतना जल्दी कोई भी कंपनी आज तक कहीं काम नहीं कर पाया, बहुत सारा अड़चन उसको गुजरना पड़ता है, पब्लिक का डिमांड से गुजरना पड़ता है, पब्लिक का बैठक होता है, ग्राम सभा होता है, बहुत सारा प्रक्रिया होता है, लेकिन ये सब चीज से कुछ नहीं गुजरने का मौका मिला। बस कुछ लोग जा जाके दुकान में अपने आप को बिकाने लगे और उसके बाद फिर कंपनी शुरू हो गई। हम यहाँ कंपनी के विरोध में नहीं है, लेकिन कंपनी जो आपका हक और अधिकार का हनन कर रही है, जो आज हर अधिकारी ये बात मान रहे हैं, हमने हर स्तर पे ये बात रखा है।